यूपी की नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए संसद पहुंच चुके हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशियों और बसपा प्रत्याशी के भी चुनावी मैदान में होने के बावजूद जनता उनके साथ खड़ी रही और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव भी जितवाया। नगीना सीट से जीत के बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी से उनके आवास पर मुलाकात की। मौलाना सज्जाद नोमानी आखिर हैं कौन और चंद्रशेखर चुनाव जीतने के बाद उनसे मिलने क्यों पहुंचे, आइए जानते हैं। दरअसल मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारिणी के सदस्य और प्रवक्ता हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी अक्सर अपने बयानों और खुले खत को लेकर चर्चा में रहते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को खुला खत लिखकर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के लिए कहा था। उनका तर्क था कि इससे बीजेपी विरोधी वोटों में बंटवारा होगा। वहीं हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुला खत लिखा था। अपने खत में उन्होंने राहुल से मुस्लिमों को अधिक हिस्सेदारी देने, मंच से मुसलमानों के मुद्दे उठाने और बीजेपी विरोधी ताकतों को एकजुट कर चुनाव लड़ने की हिदायत दी थी। बात करें मौलाना नोमानी और चंद्रशेखर की मुलाकात की तो राजनीतिक जानकार इसे नगीना चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। नगीना में दलितों ने बसपा को दरकिनार कर इस बार चंद्रशेखर को अपना नेता चुना और खुलकर उनके पक्ष में मतदान किया। वहीं सीट पर मुस्लिमों ने भी सपा और बसपा के उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय चंद्रशेखर को चुना। इसमें बड़ा हाथ मौलाना सज्जाद नोमानी का भी माना जा रहा है। लगभग 2 घंटे तक चली इस मुलाकात में मौलाना और चंद्रशेखर के बीच प्रदेश और देश की राजनीति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुबारकबाद देता हूं। उन्हें समाज के सभी तबकों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर संसद भेजने का कार्य किया है। आजाद को देखकर लगता है कि वो देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मौलाना ने आगे कहा, देश दोराहे पर खड़ा है। अगर भारत के मजलूम लोग इकट्ठा होंगे, उन्हें अच्छा लीडर मिल जाए और संविधान की लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ी गई तो जरूर भारत विश्वगुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा, अगर मजलूम आपस में बिखरे रहे, उन्हें अच्छी लीडरशिप ना मिली और मजलूम तबका पहचाना नहीं तो धर्मस्थल गिराए जाएंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, जो पिछले 10 वर्षों से हो रहा है।